की राजधानी दिल्ली, यहाँ करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। देश के सबसे ताकतवर लोगों का बसेरा भी यहीं है। इन 2 करोड़ लोगों की हिफाजत के लिए लगभग 90,000 पुलिस वाले हैं। दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पुलिस वाले मौजूद ना हों। मगर इन्हीं 2 करोड़ लोगों और 90,000 पुलिस वालों को अनदेखा कर एक शख्स बेखौफ दिल्ली भर में घूम घूम कर पूरे 18 दिनों तक एक लाश के टुकड़ों को फेंकता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। दिल्ली का ना होकर भी मुंबई से 1,000 किलोमीटर दूर अनजान दिल्ली में आकर एक लड़का इतना बेखौफ है कि इसी दिल्ली में पहले कत्ल करता है और फिर 18 दिनों तक लाश के टुकड़े लेकर पूरी दिल्ली में घूमता रहता है और फिर काम खत्म हो जाने के बावजूद भी वो दिल्ली से भागता नहीं बल्कि इसी दिल्ली में बेखौफ रहता है। ये कहानी है उस आफताब की जिसने श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल किया और उसकी लाश के 30 से ज़्यादा टुकड़े किए। वो श्रद्धा जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी आफताब पर थी, जिसके प्यार के खातिर उसने अपने माँ बाप को छोड़ा, वो माँ जिसकी 2020 में बेटी की याद में मौत हो गई। पिता से बेटी श्रद्धा की कम बात होती थी क्योंकि बेटी ने साल 2019 में ही माँ बाप की परवरिश के सामने अपने प्यार को चुना था। दोनों पहले मुंबई में ही लिविन में रहने लगे थे। फिर इसी साल यानी 2022 के मई महीने के पहले हफ्ते में आफताब और श्रद्धा दोनों मुंबई से दूर दिल्ली में रहने आए। यहाँ कुछ दिनों तक दोनों किसी दोस्त के फ्लैट पर रहे। इसके बाद दिल्ली के छतरपुर में एक फ्लैट लिया। उस फ्लैट में दोनों लिविन में रहने लगे थे। इसके बाद इस प्यार का एक ऐसा खौफनाक अंत हुआ। हैवानियत की हदें पार करते हुए उसने 18 मई को नींद में सो रही श्रद्धा का गला घोटा और फिर शव के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए। हर रोज रात के 2 बजे वो जंगल में जाता और दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर एक टुकड़ा फेंक आता था। इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिए 1 महीना भी ठीक से नहीं गुजरा था और आफताब नॉर्मल जिंदगी जीने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मई में हत्या के बाद जून जुलाई में आफताब ने फिर से डेटिंग ऐप से दूसरी लड़की से दोस्ती की जिस पर वो श्रद्धा से मिला था। बताया जा रहा है कि आफताब ने उस लड़की को कई बार अपने घर पर बुलाया। जिस कमरे में श्रद्धा का शव रखा था वहीं पर दोनों ने फिजिकल रिलेशंस भी बनाए। वैसे तो पेशे से वो लड़की मनोवैज्ञानिक थी, फिर भी आफताब की मनोदशा पढ़ ना सकी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या बेहद शातिर तरीके से की थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आफताब ने शव के टुकड़ों को रखने के लिए एक नया फ्रिज खरीदा था। शव से आने वाली बदबू को छिपाने के लिए आफताब अगरबत्तियां और रूम फ्रेशनर का यूज़ करता था। यही कारण है कि घर में डेड बॉडी होने के बावजूद उस लड़की को इस बात का ज़रा भी शक नहीं हुआ। आफताब इस बात का ध्यान भी रखता था कि शरीर का कौन सा हिस्सा जल्द से जल्द सड़ना शुरू हो जाता है, उसी हिसाब से उसने शरीर के हिस्सों को फेंकना शुरू किया। पुलिस पूछताछ में आफताब ने बताया कि श्रद्धा और उसके बीच अक्सर झगड़ा होता था। श्रद्धा आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी। आफताब के कई दूसरी लड़कियों से भी रिश्ते थे और श्रद्धा को उस पर शक था। इस वजह से भी दोनों के बीच विवाद होता था और इसी कारण उसने श्रद्धा को मार डाला। श्रद्धा प्यार में अंधी थी, तभी उसने सामने वाले के साथ रहना महफूज समझा। उसे पता नहीं था कि एक दिन उसका प्यार ही ना सिर्फ उसकी जान ले लेगा बल्कि उसके शव के साथ ऐसी दरिंदगी करेगा जिससे सुनने पर ही लोग कांप जाएंगे। यकीनन आफताब पूनावाला एक प्रेमी तो नहीं हो सकता है। जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि श्रद्धा और आफताब का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, आफताब उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता था, बावजूद वो उसके साथ क्यों थी? मुंबई में उसने अपने पिता को बताया था कि आफताब उसे पीटता है। दिल्ली में भी उसका रिश्ता सही नहीं था। पड़ोसियों के बयान के मुताबिक वो श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। अगर वक्त रहते उसे समझ आ जाता कि ये रिश्ता आगे और भी खराब हो सकता है, इससे अच्छा है कि अलग हो जाएं, तो शायद आज श्रद्धा जिंदा होती। ये केस उन लड़कियों के लिए एक सबक है जो प्यार में रहने पर सामने वाले की हर बात को मानती हैं, उनके अत्याचार को भी सहती हैं।